आग लगी है, इसमें तमाम जो ना मीडिया के ऊपर खबरें हो रही हैं कि जो ना सिलेंडर जला है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सिलेंडर नहीं जला। स्टेशन पे तमाम सिलेंडर चेक कराए गए हैं, सबकी गैसें निकाल दी गई हैं और जो आग लगी है वो लगी है स्लीपर के अंदर, जो एसी है, और एसी के अंदर जो है जो सिलेंडर है वो अलाव है ही नहीं वैसे भी, ठीक है ना। जो इनके साथी हैं जो जो यहाँ के अमला है वो बता रहे हैं कि पंखा में शॉर्ट सर्किट था, वो तीन चार दिन से था और शॉर्ट सर्किट हुआ है, पंखा गिरा नीचे, उससे आग भड़की है और इतनी तेज़ी से आग भड़की है, उसके बावजूद जो है ट्रेन चलती रही है। कोई अमला नहीं था, कोई पुराने हल नहीं था, ठीक है ना। और जो उनकी जंजीर होती है, मतलब चेन चेन होती है, वो भी काम नहीं कर रही थी, ठीक है ना। कोई इमरजेंसी की सहूलियत नहीं थी और ना आग बुझाने की फायर थी, ठीक है ना। तो ये तमाम जिम्मेदारी जो है ना खुद रेलवे की है और आला हुकाम की, उनका नोटिस लें। जो जमात वाले थे उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ना सिलेंडर जला हो। बाकायदा यहाँ के अभी सब मौजूद हैं, तहकीकात कर सकते हैं, ठीक है ना। जो बात है वो सब क्लियर हो जाएगी। ये बिलावा जगह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि तबलीगी जमात वाले जो हैं वो जो सिलेंडर की वजह से आग लगी है। शेख रशीद, तो हम अपील करते हैं हुकूमत से कि इस नाम नहाद प्रोपेगेंडे को जो है ख़त्म किया जाए और जो असल वजूहत है वो सामने लाई जाए।